अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के जरिए सऊदी अरब से ऐसी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज निकलकर सामने आ रही हैं कि जिससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते वक्त अपने शैतानी रूप में निकल रहे हैं, यानी वो अपना रूप एक ऐसा गंदा और भयानक बना रहे हैं कि जिसको जब कोई आम इंसान देखे तो उसको यह महसूस हो कि मानो उसने शैतान को देख लिया हो। और वो अपना ये रूप सिर्फ अकेले ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो अपने बच्चों का भी बना रहे और अपने दोस्तों का भी बना रहे, और इसी शैतानी रूप के साथ ही वो सड़कों पर टहलते हुए वो लोग अपने फोटोज और वीडियोस बनाकर उसको सोशल मीडिया पर बड़ी ही खुशी के साथ वायरल भी कर रहे हैं। और इन वीडियोस से ये भी साफ पता चलता है कि ये सारा का सारा काम सऊदी अरब में ना तो किसी खास इलाके में हो रहा है और ना ही ये चंद लोगों की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि ये तो एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है। दोस्तों, फोटो और वीडियो के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि सभी आम लोग सड़कों पर टहलते हुए एक दूसरे को डरा भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ किसी गेटअप में छेड़खानी भी कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर सऊदी अरब से एक के बाद एक इस तरह की वीडियोस आनी शुरू हुई तो फौरन ही मुस्लिम दुनिया में भूचाल सा आ गया और दूसरे मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों ने ऐसा करने वाले आम लोगों के साथ साथ सऊदी अरब की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और ये सवाल पूछा गया कि आखिर ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस जगह पर ये सब कुछ क्यों होने दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अब मैटर ये है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में ये सब कुछ कर रहे हैं वो लोग बेवजह नहीं कर रहे, बल्कि ये तो सब कुछ एक त्योहार की वजह से हो रहा है, एक ऐसे फेस्टिवल की वजह से किया जा रहा है जो हर साल 31 अक्टूबर के दिन पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अमेरिकन और यूरोपियन लोग इस फेस्टिवल के दिन अपना पूरा लिबास एक शैतानी लिबास में बदल लेते हैं और इसी तरह से सड़कों पर निकल जाते हैं, एक ऐसा खतरनाक और भयंकर हुलिया कि जिसको अगर आप लोग देख लें तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोग पूरे तरीके से डर जाएंगे। और इस मशहूर फेस्टिवल को हॉलोवीन के नाम से जाना जाता है। अब मामला ये भी है क्योंकि इस्लाम धर्म में इस फेस्टिवल को मनाना पूरे तरीके से मना है, यानी हराम है। वो इसलिए क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर का ये मानना है कि जिस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज फेस्टिवल के दिन की जाती हैं, उस दिन में से कुछ खास एक्टिविटीज कुछ ऐसी भी हैं कि वो पूरे तरीके से शिर्क के अंडर में आती हैं। और जाहिर सी बात है कि हर मुसलमान ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि इस्लाम धर्म में शिर्क से बड़ा कोई गुना नहीं माना जाता है, बल्कि शिर्क तो एक ऐसा गुना है कि जिसकी ना तो माफी है और ये पूरे तरीके से इंसान को ही इस्लाम से बाहर कर देता है, यानी ईमान का ऑपोजिट ही शिर्क होता है। और यही वजह थी कि दूसरे लगभग सभी मुस्लिम देशों की तरह ही सऊदी अरब में भी अभी 2-3 साल पहले तक एक ऐसा माहौल था कि ना तो कोई भी इंसान इसको सेलिब्रेट किया करता था, और अगर कहीं से भी उनको ये खबर सुनने को मिल भी जाती थी कि किसी भी इंसान ने खुफिया तौर पर अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है और इस फेस्टिवल को मनाने की कोशिश की है तो उसको फौरन ही गवर्नमेंट की तरफ से सख्त सजा दी जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसको मनाना तो दूर की बात है, बल्कि इसके बारे में तो कोई भी इंसान सोचता तक भी नहीं था। मगर अब सऊदी अरब का सिनेरियो पूरे तरीके से बदल चुका है। अब सऊदी अरब में बेशुमार लोग इस फेस्टिवल को न सिर्फ खुलेआम मना रहे हैं, बल्कि उसको मनाने से पहले ही इसको मनाने की बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मगर दोस्तों, आप लोगों का वो बड़ा सवाल कि आप लोगों के दिमाग में शायद ये चल रहा है, वो दरअसल ये होगा कि आखिर इस तरह का ये त्योहार मनाया ही क्यों जाता है, इस त्योहार का इतिहास क्या है और ये कब से शुरू हुआ और आखिर ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ था और आखिर इस त्योहार के दिन किस तरह के काम किए जाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल पहले यूरोप में रहने वाले कुछ कबीले 31 अक्टूबर के दिन अपना एक बड़ा त्योहार मनाया करते थे। इस त्योहार को मनाने का मकसद ये था क्योंकि 1 नवंबर से उनका नया साल भी शुरू हुआ करता था और इसके अलावा इन्हीं दिनों में उनकी नई फसल की काश्त भी की जाती थी। जो कबीले इस त्योहार को मनाया करते थे वो आज के दौर में यूके और फ्रांस जैसे देशों में रहा करते थे। 31 अक्टूबर के दिन इस फेस्टिवल को समिरिन के नाम से जाना जाता था। हालांकि दोस्तों, इस त्योहार को मनाने के पीछे सिर्फ इतनी सी वजह नहीं थी, बल्कि इन यूरोपियन कबीले के लोगों का तो ये मानना था कि 31 अक्टूबर के दिन की जो रात होती है
वो साल की सबसे खतरनाक रात होती है, क्योंकि इसकी रात में जितने भी लोग मर चुके हैं उनकी आत्माएं हमारी इस दुनिया पर उतर कर आ जाती हैं, जिनमें अच्छी आत्माएं भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। बुरी आत्माएं नीचे आकर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के महीने में गर्मियां खत्म हो जाया करती थी और नवंबर में सर्दियां शुरू हो जाया करती थी, और उस दौर में उस इलाके में सर्दियों का मौसम हद से ज्यादा खतरनाक भी माना जाता था, क्योंकि सर्दियां ज्यादातर लोग नहीं झेल पाते थे और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती थी। और अब इन यूरोपियन कबीले के लोग इन सर्दियों में एक के बाद एक लगातार होने वाली बहुत सारी मौतों का जिम्मेदार भी इन भूतों को माना करते थे और इसी रात को ही माना करते थे। उनके मुताबिक 31 अक्टूबर की रात में जो बुरी और गंदी रूहें हमारी इस दुनिया में जमीन पर आती हैं, वही रूहें उन लोगों को मारती हैं कि जो सर्दियों में लोग मरा करते थे। इन सारी चीजों से बचने के लिए 31 अक्टूबर की जब रात आया करती थी तो ये सारे लोग बड़े बड़े ग्रुप में इकट्ठा खड़े हो जाया करते थे, बड़े बड़े आग के अलाव रोशन किया करते थे और फिर उन आत्माओं को खुश करने के लिए बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी भी दिया करते थे, और कुर्बानी करने के बाद में उन जानवरों की हड्डियों को इस आग में जला दिया करते थे। इतना ही नहीं, लोगों का ये मानना भी था जिस घर में आग जला दी जाती थी तो उस घर में ये बुरी आत्माएं नहीं आया करती थी। इसके अलावा भी इस खास रात में ये लोग जानवरों की खालों की मदद से खून या फिर इन जैसी चीजों की मदद से अपना हुलिया भी बदल लिया करते थे, यानी एक शैतान जैसी शक्ल बनाने की कोशिश किया करते थे और फिर उसके बाद सड़कों पर निकल कर आ जाया करते थे। इन लोगों का ये मानना था कि अगर हम लोग इस रात में शैतान का रूप ले लेंगे, उसी की तरह बन जाएंगे, तो जो भी बुरी आत्माएं होंगी वो हम पर अटैक नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं चल सकेगा कि हम इंसान हैं या फिर हम इन्हीं में से हैं, क्योंकि उनको तो देखने में ऐसा महसूस होगा कि हम भी उन्हीं में से हैं। शुरू शुरू में तो ये त्योहार यूरोप के उन चंद कबीलों में मनाया जाता था, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रोमन एम्पायर जब पूरी दुनिया में ताकतवर हुआ और फिर बाद में रोमन एम्पायर का जो अपना ऑफिशियल ही जो धर्म था वो भी ईसाई धर्म बन गया, और जो ये कबीले के लोग थे इन लोगों ने भी धीरे धीरे ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके इलाकों पर भी रोमन एम्पायर का ही कब्जा हुआ करता था। मगर ईसाई होने के बाद भी इन लोगों ने अपना ये त्योहार मनाना नहीं छोड़ा था। हर 31 अक्टूबर की रात को ही ये इसी तरह की ही एक्टिविटीज किया करते थे, और नतीजा ये हुआ कि बाद में धीरे धीरे यूरोप के बाकी लोगों ने ही, इन खास कबीले के लोगों ने ही इस त्योहार को मनाना भी शुरू कर दिया था। और वक्त के साथ साथ जब कई स्टेजों से जब यह त्योहार गुजरा तो इस त्योहार का नाम तो बदल ही चुका था, मगर अब ये ईसाइयों का ही त्योहार बन चुका था। और अब सिनेरियो ऐसा है कि इस त्योहार को ऑफिशियली ईसाइयों का ही त्योहार माना जाता है। मगर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 साल पुराना जो ये त्योहार है, वक्त के साथ साथ इसका सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि इसकी पहचान और इसको जो मनाने का वो तरीका भी अब पूरे तरीके से बदल चुका है। और इसको किसी दौर में खौफ और डर की निशानी माना जाता था और खौफ और भयानक चीजों से बचने के लिए ही मनाया जाता था। आज उसको सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर भी मनाया जाता है, इसको आज जश्न के तौर पर मनाया जाता है, और इसको सिवाय सिर्फ एंटरटेनमेंट के जरिए और कुछ भी नहीं माना जाता है। 31 अक्टूबर आने से कई दिन पहले से ही लोग इसकी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं और अपने घरों को भी सजाना शुरू कर देते हैं, मगर सजाते इसलिए भी है कि लोगों को खूबसूरत लगे, बल्कि वो तो उसको एक भूतिया बंगला बनाते हैं कि जिसको देखकर एक इंसान पूरे तरीके से डर जाए। इसके अलावा भी वो लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं और इस तरह की चीजें वो अपने मुंह पर लगाते हैं कि जिससे वो लोग भी शैतान की ही तरह लगे। बच्चों को भी खतरनाक और भयानक अंदाज में तैयार किया जाता है और उसके बाद सड़कों पर भेज दिया जाता है। वो अपने पड़ोसियों से और अपने दूसरे फेमिलियर लोगों से यानी रिलेटिव से चॉकलेट की डिमांड करते हैं और ना मिलने पर टॉर्चर की धमकी देते हैं। इस तरह की बहुत सारी रस्मों के जरिए से आज दुनिया का ये पुराना त्योहार मनाया जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस YouTube चैनल नेटवर्क फ्लाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।